बिहार में मीट भात पर सियासत जारी है। मीट भात की सियासत अब शराब पार्टी से होते हुए झटका और हलाल पर आ पहुंची है। जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के गलत बयानी पर माफी मांगने की बात कही तो इसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी ने मीट भात भोज को शराब पार्टी से जोड़ दिया है। मामला यही नहीं ठहरा, बीजेपी ने धर्म भ्रष्ट कराने के आरोप के साथ झटका और हलाल की भी बात निकाल दी है। सियासत की धुरी अब पीएम मोदी तक आ पहुंची है। जनता दल यूनाइटेड ने गिरिराज सिंह के बयान और जदयू के मीट भात पर सवाल उठाने वाले बीजेपी को घेरा है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की टोपी और चादर पोसी वाले वीडियो दिखाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मीट खाते वीडियो दिखाते हुए नीरज कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले सभी पाखंडी हैं। पहले हिंदू हिंदू चिल्लाते थे और आज सनातनी का नारा लगा रहे, ये मुर्गा तोड़ेंगे और सनातनी कहलाएंगे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी फर्जीवाड़ा कर रहे, सनातनी धर्म के खिलाफ काम कर रहे। कई नेताओं का नाम लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने टोपी पहन रखी है, क्या ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो हम यह मानेंगे कि आप फर्जी सनातनी हैं। जदयू के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने जदयू पर पलटवार करते हुए कहा कि भोज में क्या परोसा गया, झटका या हलाल, शराब की भी बातें सामने आ रही है। निखिल आनंद ने आगे कहा कि जेडीयू की चोरी पकड़ी गई है, अब ये लोग चोरी के बाद सीनाजोरी कर रहे हैं, उनकी स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। मुंगेर में ललन सिंह की मीट मुर्गा पुलाव की पार्टी में शराब का भी वितरण हुआ, इस बात की जोरों पर सार्वजनिक चर्चा है, लेकिन सत्ता और सरकार के संरक्षण में इस आयोजन के बाद सबूत मिटाए गए और पर्देदारी कर दी गई। अगर इस पार्टी में शामिल लोगों की 48 घंटे के भीतर जांच की जाती तो जरूर शराब के सेवन की बात पकड़ी जाती है, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया।